8th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all are stay at your home and safe. Now, students, I tell you one thing. I hope you all have done the exercise 11.1. Now, today we start exercise 11.2. In the first question, what will be the unit digit of the squares of the following numbers? Unit digit. Here, 1's place is 3. So, square of 3 is 9. Unit digit is 1's place 3 and square of 3 is 9. So 9 is our answer. Next, 1's place is 9. So square of 9. Square of 9 is 81. So students, unit digit of this is 1. So 1 is our answer. Then I hope you do the same method part number 3rd and 4th. Now in the question number 2nd, determine whether the square of the following is even or odd. We know that the square of even number is even and odd number is odd. So here we write in the question number 2nd, we know that the square of even number is even and odd number is odd. So students, here they give you 1 7 7 4. 4 is even. So this square is even. This is 1's digit odd, so their square is odd. 9, their square is odd. 2, their square is even. So we can write here 1 7 1 7 7 4 and 2 4 2. Square is even. And rest of the two digits, square is odd. Next, which of the following number cannot be a perfect square? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो number है वो perfect square नहीं है. In that condition, students, we know that number ending with the digit 1, 4, 5, 6, 9, 00 are the perfect square. Because 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. 16 के लिए unit पहले से रहेगा 6. Then 5 square is 25 and unit पहले से क्या रहेगी हमारी 5 रहेगी. इसी तरह से 6 is 36, so 6 के में 6 आ गया है. 7 is 49, 9 is come here. Then 8 is 64, 4 is here. 9 is 81, 1 is here. 10 is 100, so here 00. 0 हमेशा square के लिए क्या रहेगी? पेयर में रहेगी. अगर सिंगल जीरो है, that means it is not a perfect square. So students, now we can see here 1's place is 8, so it is not a perfect square. We can write here 2 4 4 8. 1's place is 8, so it is not a perfect square. Next is, we can write this 5, unit palace is 5, it is a perfect square. 2 4 2 2 4 2, 2 unit palace is, yeah, 1's palace is 2, it is not a perfect square. Here is 0,
इन थ्री टाइम नॉट इन अ पेयर ऑफ डबल सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इट. इन द क्वेश्चन नंबर फोर वट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. इन नंबर दे रखे हैं हमें बतानी है वंस डिजिट इन द स्क्वेयर ऑफ इनके स्क्वेयर की वंस डिजिट बतानी है. दिस इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो वंस पहले इज फोर स्क्वेयर ऑफ फोर इज 16. सो वंस पैलेस ऑफ 16 इज 6. 6 इज अवर आंसर. हेयर स्क्वेयर ऑफ 7 49 एंड वंस पैलेस ऑफ दिस इज 9 इज अवर आंसर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग नंबर आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर. फॉलोइंग नंबर जो हैं परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है हमें रीजन देना है. नाउ स्टूडेंट दिस क्वेश्चन ऑल्सो सेम एज द क्वेश्चन नंबर थर्ड. वी नो दैट द नंबर ऑफ एंडिंग विद द डिजिट 1456900 आर परफेक्ट स्क्वेयर. सो हेयर वी कैन सी 322 वंस पैलेस इज 2. हेयर वी कैन राइट 322. इससे पहले हमें वो रीजन देना है यहाँ पे. वी नो दैट सेम क्वेश्चन थर्ड. देन वंस पैलेस इज 2. सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर. नेक्स्ट इज वंस पैलेस इज 3. सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. वंस पैलेस इज 7. इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. वंस पैलेस इज 8. सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. हमें क्या बनाना है इनकी क्या बताना है यूनिट डिजिट बतानी है इन स्क्वेयर्स की. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो द सेम एज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4. सो इन द 6th क्वेश्चन वी कैन राइट यूनिट डिजिट 7 7 9. हेयर वी कैन राइट स्क्वेयर ऑफ 9 इज व्हाट इज द स्क्वेयर ऑफ 9 81. सो वंस पैलेस इज 1. सेम रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू. गिव द रीजन शो नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो ए परफेक्ट स्क्वेयर. हमें यहाँ पे रीजन देना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वेयर क्यों नहीं है. सो स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट वी कैन डू 25,000. हेयर वी राइट द रीजन अनपेयर्ड जीरोज. नेक्स्ट इज यूनिट डिजिट इज 2. इन दिस 2 to 4 देन 5 अनपेयर्ड जीरो एंड हेयर इज यूनिट डिजिट इज 8. दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. स्टेट वेदर द स्क्वेयर ऑफ गिवन ऑड और इवन. दिस क्वेश्चन इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट वी कैन राइट वी नो दैट द स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड. सो इन दिस पार्ट 4 9 1 1 इज ऑड नंबर. सो हेयर स्क्वेयर इज ऑड. 8 इज इवन सो दिस स्क्वेयर इज इवन. 0 इज इवन सो दिस स्क्वेयर इज इवन. 6 इज इवन सो दिस स्क्वेयर इज इवन. 5 इज ऑड सो दिस स्क्वेयर इज ऑड. नाउ इन द 9th सम विदाउट एक्चुअल एडिशन इवेलुएट. एक्चुअल एडिशन के बिना ही हमें इनको इवेलुएट करना है. स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ ओड नंबर्स दे रखे हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. नंबर ऑफ टाइम कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. सो स्टूडेंट वी कैन राइट हेयर 6 स्क्वेयर. ये होता है हमारा 6 का स्क्वेयर एंड 6 स्क्वेयर इज 36. और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें यही गेट होगा.
इसी तरह नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप, सो दिस इज 9 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर इज 81। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज वर्क इज एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, डू इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स एंड आफ्टर डूइंग योर वर्क सेंड टू मी बाय मेकिंग PDF. It's my personal number. Thank you, student. Have a nice day.